Very good morning students, I am your class teacher और आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी क्लास UKG। देखिए बच्चों, अ से लेकर ज तक तो आपको पहचान अच्छी तरह से हो चुकी है और मैंने भी आपको पहचान करवा दी है। आज हम उन अक्षरों को पहचान कर उन पर गोला लगाना सीखेंगे और चित्र देखकर उसका पहला अक्षर लिखना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको कुछ एक्टिविटी बता रही हूँ। देखिए, ये एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला खींची, यानी कि हमें गोला बनाना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, हमें इन पिक्चर्स को देखना है और इस पिक्चर का जो नाम है किस अक्षर से शुरू हो रहा है उस अक्षर पर गोला बनाना है। तो देखिए, किस पहली पिक्चर किसकी है, ये मछली। तो मछली का पहला अक्षर क्या है बच्चों, म। म से मछली होती है, तो यहाँ पे ये अक्षर लिखे हुए हैं तो इसमें हमें म ढूंढना है। तो म देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, त, ये तो नहीं है, ये क्या है, म। ओ, ये है म से मछली, तो इस म पर हम गोला कर देंगे। इसी तरह से देखिए, सेकंड पिक्चर किसकी है, छाता, जो हमें धूप और बरसात से बचाता है, छ से छाता। तो छाता का पहला अक्षर है छ, छ से छाता होता है। तो हमें इनमें क्या ढूंढना है बच्चों, छ। छ कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, च, ये तो नहीं है, ड, ये भी नहीं है, और ये छ, छ से छाता। तो छ से छाता होता है, तो इसे हम गोला कर देंगे। इसी तरह से देखिए, थर्ड पिक्चर किसकी है बच्चों, ये जल्दी से पहचानो, डमरू, ड से डमरू। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है बच्चों, ड। तो ड देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, ओ यही तो है ड, ड से डमरू। तो इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। तो इस तरह से हमने ये जो पिक्चर बनी हुई है इनके नाम का पहला अक्षर ढूंढकर हमने गोला बना दिया। तो इसी तरह से आपको अपनी बुक में भी गोला बनाना है। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी और मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम बुक में वर्क करेंगे। देखिए ये है हमारी सेकंड एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, इनको हमें पहचानना है और इनका जो पहला अक्षर है उसे हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए ये किसकी पिक्चर बनी हुई है, अनार, छोटे अ से अनार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, छोटा अ, इस तरह से हमने छोटा अ लिख दिया। अब देखिए ये किसकी पिक्चर है, ईख, तो ईख कैसे होती है, बड़ी ई से, तो बड़ी ई से ईख। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ी ई, बड़ी ई से ईख। ये क्या है, टब, तो ट का पहला अक्षर क्या होता है बच्चों, ट, ट से टब। तो हम यहाँ लिखेंगे ट, ट से टब। ओ, ये क्या है, चम्मच, बहुत अच्छी तो नहीं बनी है लेकिन ये चम्मच है। तो चम्मच का पहला अक्षर किससे होता है, पहला आवाज किसकी आती है, च, च से चम्मच। तो हम यहाँ लिखेंगे च, च से च।
चम्मच। तो बच्चों इस तरह से हमें चित्र देखकर उसका पहला अक्षर हमने लिखा। अब देखिए बुक में, हम बुक में भी इसी तरह से वर्क करेंगे। देखिए ये है हमारा पेज नंबर 14। देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला खींचिए। ये देखिए पिक्चर बनी हुई है और इसके नीचे ये अक्षर लिखे हुए हैं। तो इस पिक्चर का नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर पर गोला बनाना है। तो ये कौन है, देखो ये पढ़ रहे हैं यानी कि ज्ञान ले रहे हैं, तो ये हैं ज्ञानी। तो ज्ञ से ज्ञानी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या र नहीं है, ये है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। तो इस पर हम ऐसे सर्कल बना देंगे, हमने इसको ऐसे सर्कल बना दिया। इसी तरह से देखिए ये क्या है, क्या बना हुआ है, ये रथ। तो र से रथ होता है, तो हमें क्या ढूंढना है बच्चों यहाँ पर, र। तो र देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है व, ये नहीं है, ये क्या है ब, ये भी नहीं है, ये क्या है र, र से रथ। तो इस र को हमें क्या करना है, गोला बनाना है। तो हम यहाँ पर ऐसे गोला बना देंगे। इसी तरह से यहाँ देखिए ये क्या बना हुआ है, अनार। तो अनार किससे होता है, छोटे अ से अनार। तो छोटा अ हमें यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ है देखिए, वो ये है छोटा अ से अनार। तो इसे हम गोला बना देंगे। इसी तरह अब देखिए ये किसकी पिक्चर है, ओ ये तो तरबूज है, मीठा मीठा रेड रेड तरबूज। तो तरबूज किससे शुरू होता है पहला अक्षर, त, त से तरबूज। तो त देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है ट, ये ट से टमाटर नहीं है, ये क्या है ल, ये भी नहीं है, ओ ये है त, त से तरबूज। तो इस त को हम गोला बना देंगे। इसी तरह से देखिए ये क्या बना हुआ है, ओ आपको पता ही नहीं होगा बच्चों, इसे कहते हैं हल, जो खेतों में काम आता है। पहले किसान हल से ही खेत को जोता करते थे अपनी फसल लगाने के लिए, तो ये है हल। तो देखिए ह से हल। तो ह कहाँ लिखा हुआ है, ओ ये क्या है ह, ह से हल। तो इस ह को हम सर्कल कर देंगे, गोला बना देंगे। इसी तरह से अब देखो ये क्या है, लड़ाई करने जा रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्षत्रिय। तो श से क्षत्रिय। तो देखिए क्षत्रिय कहाँ लिखा हुआ है, श से क्षत्रिय, ये क्या है, ये त्र से त्रिशूल है, ये तो नहीं है, ओ यस ये है शत क्षत्रिय। तो इसको हम श को सर्कल बना देंगे, गोला कर देंगे। इसी तरह से देखिए नीचे और ये क्या बना हुआ है, ऊन। तो ऊन किससे बनती है, पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन। तो बड़ा ऊ देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, ये तो छोटे से अनार है, ओ ये है बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन। तो इसे हम गोला कर देंगे। अब देखिए ये क्या बना हुआ है बच्चों, जल्दी देखो, ये हमारे घर में आ जाता है कभी कभी, हाँ कबूतर।
तो कबूतर, क से कबूतर, क्या पढ़ते हैं हम, क से कबूतर। तो क कहाँ बना हुआ है, ये रहा क से कबूतर, तो इसको गोला कर देंगे। ये क्या है, द से दबात, तो द ढूंढिए कहाँ है द, ये है ऊ से ऊल उल्लू, छ से छाता, ये भी नहीं है, ये है द से दबात, तो इसे हम गोला कर देंगे, द से दबात। ओहो, ये कौन है, खरगोश, ख से खरगोश, तो ख से खरगोश देखिए कहाँ लिखा हुआ है, वो ये रहा, इसे हम गोला कर देंगे, ख से खरगोश। ये क्या बना हुआ है, बड़ी से ऐनक, तो बड़ी ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, वो ये है जिसमें मात्रा लगी हुई है, बड़ी से ऐनक, तो हम इसे गोला कर देंगे। इसी तरह से हो, ये कौन है पानी के अंदर, मछली, तो मछली म से होती है, म से मछली, तो म ढूंढेंगे कहाँ है म, ये रहा म से मछली, तो हम इसे गोला कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या सीखा बच्चों, चित्र को देखकर सही अक्षर पे गोला लगाना सीखा। अब देखिए पेज नंबर 15, अब इस पर हम क्या करेंगे, ओ देखिए चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखिए। इस चित्र को पहचानो, क्या है ये, ईख, बड़ी ई से ईख, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बड़ी ई, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी ई, बड़ी ई से ईख। इसी तरह से देखिए ये क्या बना हुआ है, छाता, तो पहला अक्षर क्या होगा, छ से छाता, तो हम लिखेंगे छ, ऐसे हम छ बनाएंगे और ऐसे लिख देंगे छ, छ से छाता। ओ अब देखो ये क्या बना हुआ है, डमरू, तो ड से डमरू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ड, ड से डमरू। अभी क्या है, किसका पिक्चर है ये, थर्मस, ध से थर्मस, तो हम क्या लिखेंगे, थ, तो थ बनाओ ऐसे। ये कौन है, ब, ब से बतख, बतख होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब, ब से बतख। ओ ये कौन है, सांप का खेल दिखा रहा है, सपेरा, स से सपेरा, तो हम यहाँ पर स लिखेंगे, स से सपेरा। इसी तरह से देखिए दिए गए अक्षर का चित्र से सही मिलान करना है। ये क्या बना हुआ है, बड़ी ओ, बड़ी ओ से क्या होता है बच्चों, औरत, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे। ये क्या है, ग, ग से क्या बनेगा, इसमें से गदा, हनुमान जी की गदा, तो ग से गदा से मिला देंगे ग को हम। ये क्या है, च, च से इसमें से क्या बनेगा बच्चों, किससे मिलाएंगे, च से क्या है, चम्मच, चम्मच से मैच कर दिया। ड, ड से क्या बनेगा, ड से डलिया, तो ड को डलिया से मिला देंगे हम। ये क्या है, न, न से नल, तो हम इससे मिला देंगे, इस तरह से हमने मैच कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से अक्षर दिए हुए हैं और यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, तो बच्चों ये क्या है, प, प से देखिए इसमें कौन सा आएगा, प से पतंग, तो प को हम पतंग से मिला देंगे। ये क्या है, भ,
भ को किससे मिलाएंगे? देखिए भ से क्या बनेगा, देखो ये क्या कर रहे हैं, भजन। तो भ से भजन, भगत जो भगवान की पूजा करते हैं। ये क्या है, य। य से देखो इसमें से क्या है, ओ ये यज्ञ कर रहे हैं, तो य से यज्ञ हो रही है। श, श से क्या होता है बच्चों, श से शलजम। शलजम देखिए ये बनी हुई है, श से शलजम। ये क्या है, ज्ञानी। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी कहाँ है, ये रे, ज्ञ से ज्ञानी। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या सीखा कि दिए गए अक्षरों से इन अक्षरों को चित्र से मैच करना सीखा। तो बच्चों इसी तरह आप अपने पेरेंट्स से या अपनी मम्मा से कहना आपको एक्टिविटी बना कर दें और आपकी प्रैक्टिस करवाएं, जिससे आपको स्वर और व्यंजन यानी कि जो वर्णमाला है उसकी अच्छी तरह से पहचान हो जाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।